शरद पूनमनी रात्रे वेसू खाते आवेल रीबाउंस में फन रात्रि नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां फेशन शो अने युवानो माटे गरबा रांबा माटेनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। सुरतीઓ વિવિધ પ્રકારે ઉજવણી ઉજવતા હોય છે ત્યારે સુરત શહેરના વેસુ વિસ્તારમાં આવેલ રીબાઉન્સ ગેમ ઝોનમાં ફન રાત્રિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। શરદ પૂર્ણિમાની સાંજે યોજવામાં આ કાર્યક્રમમાં જેમાં ફેશન શો પણ રાખવામાં આવ્યો હતો, તેમાં વિવિધ મોડેલો દ્વારા રેમ્પ વોક કરવામાં આવ્યો હતો તથા આયોજનમાં યુવાનો માટે ખાસ ગરબા રમવા માટેનું પણ આયોજન કરાયું હતું, જેમાં યુવાનો ટ્રેડિશનલ કપડામાં જોવા મળ્યા હતા। મારું નામ ચિરાયુ સોમાની છે, મે ઓનર એન્ડ ફાઉન્ડર ઓફ રીબાઉન્સ। रिबाउंस पे आज पहली बार हमने शरद पूर्णिमा के दिन गरबा का इवेंट रखा है। गरबा के साथ इसमें फ़न को भी मिक्स किया, क्योंकि ये रिबाउंस है, यहाँ फ़न होता ही है। तो ये फैशन शो के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स, बच्चे, पेट्स का फैशन शो रखा था। किस तरह से लोगों ने भाग लिया? लोगों ने बहुत ह्यूज नंबर्स में भाग लिया। लोगों ने, जिन ब्रांड्स ने अपने कपड़े शोकेस किए वो आए थे, कुछ पेट्स जो अपने, आज पेट्स बहुत बढ़ रहे हैं तो पेट्स के जो ड्रेसेस है, पेट्स के जो फैशन है वो भी शोकेस हुए। डाउन सिंड्रोम के बच्चे, डाउन सिंड्रोम के बच्चों को भी हमने इंक्लूड किया आज हमारे बीच। और उसके अलावा जो गरबा का जो मज़ा है, हालो रे हालो, वो सब ने लिया। आज ये रिबाउंस फन रात्रि थी तो हमेशा हम गरबा करते हैं, आज हमने फन और ये गरबा को मिक्स करके फन रात्रि का इवेंट किया था इधर, और यही इसकी यूएसपी थी। अंजू सोमानी, आज हम रिबाउंस में हैं। रिबाउंस में गरबा का आयोजन किया गया है और गरबा के साथ साथ यहाँ पे बबल्स, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी, बहुत सारी दूसरी बातों का भी आयोजन किया गया है। जैसे कि एक बबल्स नाम की संस्था है जो डाउन सिंड्रोम के बच्चों को केयर करती है, और उन्हीं बच्चों का यहाँ प्रोग्राम था। सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बच्चे भी बहुत खुश होकर गए। और उसके साथ ही यहाँ पे एक पेट शो था, पेट लवर्स अपने अपने पेट्स को लेके आए, उन्होंने रैंप वॉक किया, उसको बहुत एंजॉय किया और सभी ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया। जो पहली बार मैं कहना चाहती हूँ कि सूरत में हुआ है, आज तक इससे पहले कहीं भी नहीं हुआ है।